मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी कदपि एक में कहम पाई होई करे जो देहु सहाई जस बरु में बरने तुम्ह पाही मिली उमही तस संसय शिव पही मैं अनुमाने जो विवाह शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब होई जो सेज सयन हरि करही बुध कछु बिन कर दोषु न धरही भानु कृसानु सर्वरस खाही बिन कह मंद उपाय मैं बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ जल दोनों ही बहते हैं, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता।
यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान यानी सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।